मीन वैल्यू थ्योरम फिफ्थ वीडियो, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पिछले वीडियो में लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को आपने प्रूव किया था, उसका एक अनदर फॉर्म भी लिखा था और उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आपने देखा था। आइए कुछ एग्जांपल्स से आपको दो चार करें। एग्जांपल वन, इफ इन लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन बाई टू सेमी कोलन, देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इसमें लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन का, ये कहीं नहीं लग रहा है कि हमें सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन करना है। सीधा सीधा है कि एल एम वी टी में सी की वैल्यू निकालिए यदि ये सब डेटा दिया हुआ। तो हम बस सीधा स्टार्ट भी हम लेंगे। इसमें एफ डैश सी की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो सब चलो निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। वैसे भी अगर कुछ बकना चाहे तो बक दीजिए, विच इज अ पॉलिनोमियल एंड सो एफ ऑफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। Implies that f dash of x equal to 3x square minus 6x plus 2. अब आप लिखिए by Lagrange mean value theorem. f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a. Implies that f dash c कितना होगा, यहां से निकलेगा ना, x की जगह c रख दो। 3c square minus 6c plus 2 equals to f of b माने f of 1 by 2 minus f of a यानी कि f of 0 upon b minus a यानी कि 1 by 2 minus 0 implies that 3c square minus 6c plus 2 इक्वल्स टू, ये टू ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू एफ ऑफ वन बाई टू कितना होगा। चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, जहाँ से मन करे, चलो यहीं से लिख देते हैं। वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स जीरो रखते ही पूरा जीरो हो जाएगा, ये रहा इक्वल्स टू टू इंटू, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, कि थ्री अपॉन एट यानी कि थ्री अपॉन फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर दें, इम्प्लाइज दैट ट्वेल्व सी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर सी प्लस एट इक्वल्स टू थ्री, थ्री को भी इधर कर दें, implies that 12c square minus 24c plus 5 equal to 0. इसकी श्रीधराचार्य फार्मूले से c की वैल्यूज निकालिए, देखिए कि 0 और 1 by 2 के बीच में कोई c पड़ता है कि नहीं, यदि पड़ता है तो c को फाइंड करना है और नहीं पड़ता तो लिख देना है देर इज नो सच c। implies that C इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट
24 का स्क्वायर हमारे 4 चौके 16 के साथ में 1, 4 दुनी 8, दुनी 16, 17 के साथ हाथ में 1, 2 दुनी 4, 1, 5 और माइनस 12 पंजे 60, 60 चौके ना 240, 4 एसी होता है ना 12 पंजे 60, ठीक, अपॉन इस कोफिशियंट का दूना 24 इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट 6 3 अपॉन 24। अब 3 3 6 के फैक्टर्स करने होंगे, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2 13, 2 छः के 12 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, फिर 3 से काट देते हैं, बस हो गया। तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, बस इक्वल टू 24 प्लस माइनस, इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा तो हो गया 4 और अंडर रूट बचेगा 3 सत्ते 21 अपॉन 24 इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6 implies that C equal to 1 plus under root 21 upon 6 and C equal to 1 minus under root 21 upon 6. Number line खींच लें, 0 और 1 और ये 1 by 2, तो 0 और 1 by 2 के बीच में हमको देखना है कि कोई C का मान है क्या। तो ये तो होगा ही नहीं, कदापि नहीं होगा, 1 plus 1 से भी ज़्यादा है, अगर होना होगा तो यही होगा। कुछ अंदाजा लेते हैं, अब अंदाजा हम ले रहे हैं, रूट 21 को हम रूट 25 समझ लें, तो रूट 25 का मतलब 5 हो गया, 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 का मतलब कितना हो गया 6 48.8 लगभग, तो एक में से 0.8 घटाइएगा तो 0.2 आएगा, 0.2 कहाँ पे होगा, ये 0.5 है, ये 0.5 है तो 0.2 यहाँ पे होगा, ये सी ये है ना। 10 The required value of C, required value of C belonging to open interval 0 and 1 by 2 is C equal to 1 minus under root 21 upon 6. अगर शंका हो तो फिर इसकी exact value फिर निकालिए, exam में calculator allowed नहीं होता है, log table से या ऐसे ही करिए, वर्गमूल निकालना आता हो तो ठीक है ना। रूट 21 ठीक, आइए अगला एग्जांपल देखें। तो अब इस टाइप के एग्जांपल जो भी होगा कि एफ एक्स दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, तो सी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे निकाल लेना। सी की वैल्यू निकालेंगे मतलब आप इस ये आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर इज दिस, सी की वो वैल्यू जो ए और बी के बीच में पड़े, तो हो गया ट्रेनिंग। अब देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर इसको नहीं कभी किए हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अचानक करने में, फुर्सत में तो आप ट्रायल करोगे ना, ट्रायल करके तो कर ही लोगे। विद द हेल्प ऑफ लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम to show that log of x plus 1 at the base 10 is equal to x log e base 10 upon 1 plus theta x, 0 less than theta less than 1, ये और भी कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो,
स्टार्ट कुछ यू लेंगे हम. लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, और बेस चेंज कर दें क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है, और डेरिवेटिव सारा का सारा हम किस पर जानते हैं, बेस ई पर. लॉगरिथमिक फंक्शन का सारा कैलकुलस बेस ई पर है, ध्यान रखना. अगर बेस कुछ और है तो पहले बेस चेंज कर लेना. तो बेस चेंज करने का नियम आपको हाई स्कूल में सिखाया गया है, उस हिसाब से ही हो जाएगा. लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग ई बेस 10, नंबर वन. डिफरेंशिएट करिए. नाउ एफ डेस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ई बेस 10, नंबर टू. इसे नंबर टू करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लिख रहे हैं विच एग्जिस्ट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 1 + h, वेयर h इज पॉजिटिव एंड स्मॉल. ये फ्रैक्शन है ना, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां x बराबर जीरो होगा. तो x बराबर जीरो इसमें तो पड़ेगा नहीं, ये तो वन और वन से तनिक दाहिने वाला स्पेस है रियल नंबर लाइन का. तो एफ डेस एक्स एग्जिस्ट्स इन दिस इंटरवल, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड हेंस कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल. ठीक ना, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल एंड हेंस डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. इसमें जो ओपन इंटरवल बनाइएगा वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा. तो अगर इसमें डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो इसके हर सबसेट में डिफरेंशिएबल होगा. तो हम लिख रहे हैं इसको सीधा सीधा क्लियरली. नंबर एक, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, पहले कंटिन्यूटी लिख लो. अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 1 + h एंड सो कंटिन्यूअस देयर, माने इन क्लोज्ड इंटरवल 1 + h, बिकॉज वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. नंबर टू, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, किस आधार पर लिख रहे हो, एफ डेस एक्स एग्जिस्ट इस आधार पर लिख रहा है. एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 1 + h एंड सो इन ओपन इंटरवल 1, 1 + h. लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के दो गिवन कंडीशंस हो गए ना पूरे, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी है. अतः 1 और 1 + h के बीच में एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द सेकेंट के बराबर होगा. ठीक, अब 1, 1 + h के बीच में नंबर कौन सा होगा, 1 + θ h, 1 + θ h आप विचार कर लें. थीटा जीरो रखोगे तो ये वन आएगा, थीटा वन रखोगे तो ये 1 + h आएगा. अब थीटा जीरो और वन के बीच में रखोगे तो ये 1, 1 + h के बीच में आएगा. तो अब हम लिखेंगे बाय LMVT लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट्स थीटा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, 1, यानी देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर थीटा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ डैश 1 + θ h इक्वल टू एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 + h माइनस 1. एफ डैश 1 + θ h की वैल्यू यहां से लाएंगे हम, एक्स की जगह 1 + θ h रख देंगे.
बस हो गया, बस दो चीज दिमाग में रखना है कि ये फंक्शन कंसीडर करना है, ये इंटरवल कंसीडर करना है, बस। इंप्लाइज दैट वन अपॉन वन प्लस थीटा एच इंटू लॉग ई बेस टेन इक्वल्स टू एफ ऑफ वन प्लस एच, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिए थे आप, लॉग एक्स बेस टेन, यही तो लिए थे। तो एफ ऑफ वन प्लस एच कितना होगा, एक्स की जगह वन प्लस एच रख दो तो हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एच बेस टेन माइनस एफ ऑफ वन कितना होगा, लॉग वन बेस टेन, लॉग वन की वैल्यू किसी भी बेस पर जीरो होती और नीचे वन वन कैंसिल हो गया, ये आ गया एच इक्वल्स टू वन अपॉन एच इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एच बेस टेन, इसमें जो एच है वो पॉजिटिव नंबर है। इंप्लाइज दैट दाहिनी तरफ लॉग ऑफ वन प्लस एच बेस टेन, इसकी वैल्यू क्या होगी, एच से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एच लॉग ई बेस टेन अपॉन वन प्लस थीटा एच, एच ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर एच को रिप्लेस कर दो एक्स से, लॉग वन प्लस एक्स बेस टेन इक्वल टू एक्स लॉग ई बेस टेन अपॉन वन प्लस थीटा एक्स कामा एक्स ग्रेटर देन जीरो। आई थिंक यही लाना था, देख लेते हैं। एक्स लॉग ई बेस टेन अपॉन वन प्लस थीटा एक्स, बिल्कुल यही है। तीसरा एग्जाम्पल भी हम ऐसे ही उठा रहे हैं, हर टाइप के एक एग्जाम्पल आपको समझाते चल रहे हैं, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन हम जितने भी सबको हल करा दें, सब ना, ट्रेनिंग का मतलब यही होता है, हर टाइप के आपको एग्जाम्पल करा दिया जाए, थियोरी को कायदे से समझा दिया जाए, ढंग से लिख दिया जाए, बस हो गया। एग्जाम्पल थ्री, लिख इसलिए दिया है ताकि आपके पास लिखित दस्तावेज की तरह कोई चीज़ मौजूद हो। दूसरी चीज, एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है ना, तो लिख लिख के पढ़ोगे तभी लिख पाओगे, इसलिए गणित को लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए और लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए। यदि आप किसी को मैथ्स पढ़ाते हो तो लिख लिख के ही पढ़ाया करो, ठीक, तभी कलम चलेगा, नहीं तो हवा में भाजने वाले कलम नहीं चलते, तो बस इधर उधर करके फिर ऐसे हो जाएगा, अच्छा ठीक इसके आगे हो जाएगा देख लेना, क्या हो जाएगा बच्चे करते ही नहीं। एग्जाम्पल थ्री, हर चीज़ सिस्टमेटिक होना चाहिए, पढ़ना पढ़ाना जो भी काम है जीवन का वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। मैथमेटिक्स सिखाती है हमको, यही सब सिखाती है ना। गणित पढ़ के भी अगर आप सिस्टमेटिक नहीं हुए तो गणित पढ़ना बेकार है। टू प्रूव दैट इनइक्वालिटी हम प्रूव करेंगे, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लेस देन टेन इनवर्स एक्स लेस देन एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, अब इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं, तो वही हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो इसको दो हिस्सों में हम करेंगे, पहला हिस्सा एफ ऑफ एक्स बराबर, हमें ये हिस्सा पकड़ रहा हूं, दिस इज लेस देन दिस, दूसरा हिस्सा हम पकड़ेंगे दिस इज लेस देन दिस, ओके, फिर दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब दिस इज लेस देन दिस दिखाना है तो बड़ा कौन है ये, तो बड़े में से छोटे को घटा करके फंक्शन बनाइए, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, लेट सो दैट एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन,
इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या किया जाए, एलसीएम लेके जोड़ दिया जाए। एलसीएम आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, इधर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको होल स्क्वायर को खोलोगे तो वन भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, कट जाएगा, टू एक्स बचेगा। तो ये हो गया टू एक्स अपान वन प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या चक्कर है भाई, हाँ देखो गड़बड़ सड़बड़ हम लिखे, तभी मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा है। मैथमेटिक्स में यही है, अगर कुछ गड़बड़ी आपने किया है तो आपको कुछ कुछ होने लगेगा, तो हमको कुछ कुछ होने लगा यहाँ पे। ये भैया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब सही कर लो, मैं रेड से कर दे रहा हूँ। तो ये है एक्स स्क्वायर, तो अब चेंज हो जाएगा सब मामला। दो तीन मिनट मेरे गए फालतू। ये तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यह आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया, ये सही है। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल चूज करेंगे जीरो कामा जीरो प्लस एच, ए ए प्लस एच, जीरो जीरो प्लस एच, और उसी में एल एम वी टी लगा देंगे, बस काम बन जाएगा। देखो ये कहां पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन है ना, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा डिनोमिनेटर कहीं जीरो नहीं होगा। ये पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो नॉन नेगेटिव है, तो फिर वन प्लस नॉन नेगेटिव पॉजिटिव विच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, चाहो तो ये लिख दो विच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। एवरीवेयर लिखने का मतलब एवरीवेयर इन कैपिटल आर, रियल एनालिसिस पढ़ते समय यूनिवर्सल सेट कैपिटल आर होता है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी हो गई। अब लिखिए बाई लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल 0 कामा 0 प्लस एच, एफ डैश ऑफ 0 प्लस थीटा एच, इसके इसके बीच में नंबर जहां पे थीटा बिटवीन 0 एंड 1 है, ये बराबर क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच इक्वल टू, देखो एफ ऑफ एक्स यही है, इसमें एक्स की जगह जीरो रखो, टेन इनवर्स जीरो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो एक स्टेप और बढ़ा देना है, एफ ऑफ एच अपॉन एच इक्वल्स टू वन अपॉन एच ब्रैकेट में एफ ऑफ एच की वैल्यू टेन इनवर्स एच
टेन इनवर्स एच माइनस एच अपॉन वन प्लस एच स्क्वायर। और इधर भी तो करते चलो भैया, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ थीटा एच, एफ डैश ऑफ थीटा एच की वैल्यू। साइड चेंज कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स एच माइनस एच अपॉन वन प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच, ये वाला एच इंटू एफ डैश ऑफ थीटा एच, ओए इक्वल टू एच इंटू एफ डैश एक्स। कितना निकाले थे याद है क्या? एफ डैश ऑफ एक्स था शायद टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, हाँ यही था। तो एफ डैश थीटा एच कितना हो जाएगा? टू थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन वन प्लस थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो ये जो हिस्सा है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, एच पॉजिटिव, ये होल स्क्वायर है तो कहाँ से निगेटिव आएगा? एच इज अ पॉजिटिव नंबर, थीटा इज पॉजिटिव नंबर लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन। अब ये पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव कब होगा? जब एच पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो, फॉर एच ग्रेटर देन जीरो। दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स एच ग्रेटर देन एच अपॉन वन प्लस एच स्क्वायर फॉर एच ग्रेटर देन जीरो। देयर फोर टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं आर वन। अगर आप एफ ऑफ एक्स दिस माइनस दिस ना लेके उल्टा ले होते तो ये ग्रेटर ना के लेस आएगा, बस इतनी सी बात है। अब दूसरा हाफ ले रहे हैं, इनइक्वलिटी आपको प्रूव करनी थी, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन टेन इनवर्स एक्स लेस देन एक्स, किस शर्त के साथ? एक्स ग्रेटर देन जीरो के साथ। तो अब आप लिखिए लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू दिस माइनस दिस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, सो दैट फाई डेज ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, विच एग्जिस्ट एवरीवेयर, विच एग्जिस्ट एवरीवेयर, माने फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है इसलिए कंटिन्यूस भी है, एग्जिस्ट एवरीवेयर by Lagrange mean value theorem in interval 0, 0 plus h we have. हाँ सब चीज़ दिख रहा है, phi of x दिख रहा है, phi डेज बस ठीक है, फंक्शन f नहीं है, phi लिया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे आप? phi डेज ऑफ नंबर बिटवीन जीरो एंड जीरो प्लस एच, जीरो प्लस थीटा एच इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, इंप्लाइज दैट फाइ डेज ऑफ थीटा एच इक्वल टू एफ ऑफ एच माइनस जीरो अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो देखो यहाँ जीरो रखो तो जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, हो गया वन अपॉन एच इंटू फाई लिख दिया। देखो अभी तुमको हमने कहा ध्यान रखना अपने खुद गलती करके फाई ऑफ एच इंप्लाइज दैट फाई डेज ऑफ थीटा एच कितना होगा? फाई डेज ऑफ थीटा एच बराबर थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन वन प्लस थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एच इंटू फाई ऑफ एच, यहां से एच माइनस टेन इनवर्स एच, साइड चेंज कर रहा है, इंप्लाइज दैट एच माइनस टेन इनवर्स एच इज इक्वल टू एच इंटू थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन
वन प्लस थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हिस्सा पॉजिटिव होगा तो ये पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव तब होगा जब एच पॉजिटिव हो, तो ग्रेटर देन जीरो फॉर एच पॉजिटिव इम्प्लाइज दैट एच इज ग्रेटर देन टेन इनवर्स एच फॉर एच ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर इसको उलट भी दे रहा है, इसको हम लिख दे रहे हैं टेन इनवर्स एक्स लेस देन एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव आर टू। फ्रॉम आर वन एंड आर टू, आर वन में आपने ये दिखाया था दिस इज लेस देन दिस, तो ये हम फाइनल रिपोर्ट लगा रहे हैं। फाइनली फ्रॉम आर वन एंड आर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन टेन इनवर्स एक्स लेस देन एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, ये था। तो मैंने आपको टेक्निक बता दी कि इस तरह की इनइक्वालिटीज और भी इनइक्वालिटीज हैं उनको इसी तरह से प्रूव किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब इनइक्वालिटीज अगर पहले से आप नहीं कभी नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे अचानक एग्जाम में, इसीलिए हायर मैथमेटिक्स में तो भैया बहुत पढ़ना पड़ता है, मैटर बहुत पढ़ना है और चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। प्रायः स्टूडेंट क्या करता है, एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर एग्जाम में फिर पढ़ता है, ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं चलेगा। अब कुछ लोग पैदाइशी ब्रिलियंट होते हैं, उनकी बात छोड़िए, मैं जो भी बात करता हूँ कॉमन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, जिन्हें भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के भेजा ही धरती पर, उनकी बात क्या करना है, बात हमें करनी है जन सामान्य की, कॉमन स्टूडेंट्स की। कॉमन स्टूडेंट्स तभी मैथमेटिक्स को बेहतर संभाल पाएगा जब वो बार बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा। मैं खुद कॉलेज से आता था, एक रोटी दो रोटी, हमारे टाइम में रोटी ही था, ये सब लटके झटके वाले नाश्ता नहीं थे, खा के एक प्याली चाय पी के तुरंत तुरंत मैं एक घंटा डेढ़ घंटा, मन लग गया तो दो घंटा पढ़ी हुई चीज को अभ्यास करता था रफ पे, पट 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 पट। अब जैसा मन कर गया ना, जैसे साढ़े तीन बजे चार बजे लौट गया, पाँच बजे तक पढ़ लिए, साढ़े पाँच तक पढ़ लिए, जाड़े का मौसम है तो बाहर निकलना नहीं, अंधेरा हो जाएगा, गर्मी के मौसम में बाहर निकल लिए, गए वॉलीबॉल खेल के फिर चले आए, नहीं खेल रहे अपना घूम टहल के चले आए, फील्ड के चार चक्कर लगा के चले आए, डेली पढ़ता था। तो नियमित अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। थैंक यू।